Greetings everyone, welcome back. Today we will discuss about the इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. हम पढ़ रहे थे बेटा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, उसमें हमने अर्ली एक्सपेरिमेंट्स देख लिए थे, हमने पिगमेंट्स देख लिए थे, उनका इफेक्ट्स देख लिया था. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में लाइट रिएक्शंस पढ़ ली थी कि व्हाट इज लाइट रिएक्शन, उसका हमने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया था बेटा, करेक्ट. अब लाइट रिएक्शन में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये कहा था कि हमें लाइट रिएक्शन में ये सारी चीजें देखनी है कि लाइट एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, वाटर की स्प्लिटिंग कैसे होती है, ऑक्सीजन कैसे रिलीज करता है, ठीक है, और हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स दैट इज एटीपी एंड NADPH ये कैसे बनते हैं. तो व्हाट इज लाइट रिएक्शन, इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि हाउ लाइट इज एब्सॉर्ब. नाउ इन नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको साइक्लिक, देखो जो लाइट रिएक्शन है, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूं, जो लाइट रिएक्शन होगी वो कहां होगी बेटा, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में या फिर स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली. अगर रिएक्शन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में हो रही है दैट इज द नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, फोटो फोस्फो राइलेशन, करेक्ट. अगर वो स्ट्रोमा लैमेली में हो रही है तो उसको बोलेंगे साइक्लिक फोटो फोस्फो राइलेशन, करेक्ट. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है. तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा बेटा, अभी मैंने बताया कि लाइट की एब्जॉर्प्शन होगी, इंटरमीडिएट्स बनेंगे जैसे कि आपके हाई एनर्जी कंपाउंड्स बनेंगे एटीपी एंड एनएडीपीएच, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, ठीक है. तब जब ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस होगी तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं. इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट होते हैं. मैंने आपको पढ़ाए थे दो फोटो सिस्टम कि वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करके मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेट शो कर रहे हैं. तो हमारे पास दो फोटो सिस्टम थे, फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू. जो फोटो सिस्टम टू है बेटा उसको बोलते हैं P680 और फोटो सिस्टम वन को बोलते हैं P700, ठीक है. वन इसलिए कहा गया क्योंकि इसको पहले डिस्कवर किया गया था और इसको बाद में किया गया, ठीक है. तो 680 शोज दैट 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को क्या कर रहे हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस रेट क्या है, बढ़ रहा है. क्लियर है ना, मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिया बेटा. अब क्या होती है, इन फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं. अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, जो अभी इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है. इसलिए पहले लास्ट वीडियो का आप अच्छे से देखेंगे तो समझ पाएंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की कैसे. मान लो हमारे पास क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है और ये सराउंडेड है असेसरी पिगमेंट से, जैसे क्लोरोफिल बी, ठीक है, कैरोटीनॉइड, ठीक है, इनसे क्या है बेटा, सराउंडेड है. अब क्या है, वो सनलाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल ए, ठीक है. क्लोरोफिल ए पिगमेंट भी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इसके असेसरी पिगमेंट भी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है. अब क्लोरोफिल ए या तो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा या फिर 700,
ठीक है। और जो दूसरे पिगमेंट्स हैं हमारे, जैसे कि क्लोरोफिल बी हो गया, कैरोटीनॉइड हो गए, ठीक है, और कौन से हो गए बेटा हमारे पास, और कौन से पिगमेंट मैंने आपको बताए थे, यस कैरोटीनॉइड और फाइकोबिल्स, ठीक है, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिल्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए तो स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जो दूसरे पिगमेंट्स है वो दूसरी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके किसको देंगे, क्लोरोफिल ए को देंगे। इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ग्राउंड स्टेट से कहाँ आ जाएंगे बेटा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। उसी को क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद वो एक मॉलिक्यूल से दूसरी मॉलिक्यूल में क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे, उसी को बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। देखिए ये क्या है आपका, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या है ये, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कब कैसे बनता है, एंटीना, एंटीना से बनता है। और इसमें क्या होते हैं बेटा, एंटीना के साथ साथ क्या होता है, रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर कौन बनाएगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए। और एंटीना कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा बेटा, वो बनाएंगे असेसरी पिगमेंट, असेसरी पिगमेंट। पिगमेंट्स के बारे में मैंने तुम्हें एक लास्ट सेकंड एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा, ठीक है, उसमें सारे हमने जो पिगमेंट्स है उन्हीं को स्टडी किया था कि कौन सी वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करते हैं और उसका फोटोसिंथेसिस रेट पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो उसको कंबाइन हम क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब क्या आती है बेटा, सनलाइट आती है, ये आ गई सनलाइट, आ गई, ठीक है। सनलाइट आने के बाद दो इलेक्ट्रॉन क्या है, अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। जो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो वो क्या है, उसमें इतनी हाई एनर्जी होती है कि वो अपने ऑर्बिटल से बाहर आ जाते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई क्या करता है बेटा, एक्सेप्ट करता है, जिसको क्या कहते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फिर उस इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं जो एक सिस्टम से पास होते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इन फोटो सिस्टम कौन सा है बेटा, 680 नैनोमीटर। इन फोटो सिस्टम टू द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। रेड लाइट की 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया, जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम एक्साइटेड एंड जंप इनटू एन ऑर्बिट फार्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच पासिस देम टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स। अब यहां पर एक चीज बता दी गई है बेटा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या आएंगे, आपके साइटोक्रोम्स आएंगे। क्या आएंगे बेटा, आपके साइटोक्रोम्स आएंगे, ठीक है। ये जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, ये क्या होती है, डाउनहिल होती है, नीचे की तरफ होती है, ऊपर से नीचे की तरफ। देखो यहां से ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसी हुई बेटा ये प्रोसेस, डाउनहिल, ठीक है। इन टर्म ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब इस ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि लॉस कर रहा है, यानी कि क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, लेकिन दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है उसका क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। इससे क्या क्रिएट हो गया बेटा, एक रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल क्या हो गया, डेवलप हो गया। दूसरी बात,
द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पास होते हैं तो इनको यूज नहीं किया जाता, बस क्या किया जाता है, एक ने लिया दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया, तीसरे ने चौथे को दे दिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, वो भी हम पढ़ेंगे। बट आर पास ऑन टू द पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिस्टम वन। ठीक है, फोटोसिस्टम वन को क्या कर दिया गया, दे दिए गए। अब ये इलेक्ट्रॉन, यहां पे मैं समझाऊंगी बेटा कौन कौन से आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, इसने ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहां आए थे किसको दे दिए, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को। यहां पर कौन सा फोटोसिस्टम था, फोटोसिस्टम टू। फोटोसिस्टम टू कौन सा सिस्टम था बेटा, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, यस फोटोसिस्टम टू, दैट इज द 680 नैनोमीटर। कौन सा सिस्टम था, फोटोसिस्टम टू, दैट इज 680 नैनोमीटर, P680। अब यहां पे वन आ गया, फोटोसिस्टम कौन सा आ गया बेटा, यहां पे वन आ गया, और फोटोसिस्टम वन कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, 700। क्लियर हुआ, अब इसने इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, अब क्या होगा, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम वन आर ऑल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर एंड ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट हैज अ ग्रेट रेडोक्स पोटेंशियल। ठीक है, अब क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन तो यहां से भी आए हैं लेकिन ये भी तो 700 वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में भेजेगा। अब फिर से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कौन रिसीव कर लेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या कर लेगा, इसको बेटा ले लेगा। अब यहां देखो ये इतना क्या है, फोटोसिस्टम टू, और इतना क्या है, फोटोसिस्टम वन है। फिर आगे क्या होगा बेटा, देखो दिस इलेक्ट्रॉन देन आर मूव्ड डाउनहिल, दोबारा से ये डाउनहिल, मैंने जब पहले बताया था, फिर से ये डाउनहिल क्या होंगे, मूव करेंगे, करेक्ट, दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच एनएडीपी पॉजिटिव, एनएडीपी प्लस। यहां तो ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए जा रहे थे, फोटोसिस्टम वन को, लेकिन अब किसी फोटोसिस्टम को नहीं दिए जाते बल्कि किसको दिए जाते हैं, एनएडीपी प्लस को दिए जाते हैं। ठीक है, ये देखो पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये कंपाउंड, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा इट विल कन्वर्ट इनटू एनएडीपी एच, एनएडीपी एच प्लस में एच पॉजिटिव, इसका प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम फोटोसिस्टम टू अपहिल टू द एक्सेप्टर, अपहिल टू द एक्सेप्टर, डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू PS1, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर दैट इज दिस वन, एंड फाइनली डाउन हिल टू द एनएडीपी प्लस, रिड्यूसिंग इट टू एनएडीपी एच प्लस में एच पॉजिटिव। यहां पर रिड्यूसिंग वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि जब भी किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन एड होता है तो वो कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन होती है। तो देखो एक जेड लेटर बन गया ना, देखो क्या बन गया, एक जेड लेटर बन गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द जेड स्कीम ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप। दिस शेप इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑन ए रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। सारे के सारे जो कैरियर्स हैं, कैरियर मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रहे हैं वो एक सीक्वेंस में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई अ पर्टिकुलर शेप इज फॉर्म्ड, करेक्ट। और किसके बेसिस पे है बेटा, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, कि किसके बेसिस पे इतने सीक्वेंस में लगे होते हैं, बिकॉज ऑफ द रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। केमिस्ट्री में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि व्हाट इज रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल, ये चीज समझ में आई बेटा। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा आपको अपनी तरह से क्या करना चाहती हूँ, एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ठीक है, उसके बाद ही हम पढ़ेंगे बेटा स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर को, उसके बाद ही हम क्या पढ़ेंगे बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर को पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा सा देखिए, यस, ये जो मैंने अभी पढ़ाया ना बेटा, ये क्या था, ये थी नॉन
साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, इनडायरेक्टली इसने एक्सप्लेन कर दिया है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को. और अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को का ओवरव्यू तुम्हें दे दिया था, लेकिन आई विल एक्सप्लेन अगेन दैट प्रोसेस. ओके, ठीक है. अब मैं क्या कहती हूं कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है बेटा, इसके अंदर ये मेरी प्रोसेस स्टार्ट होती है फोटोसिस्टम टू से. फोटोसिस्टम टू, ठीक है, जो कौन सी वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करता है, 680, ठीक है. इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है और एक्सेसरी पिगमेंट सारे हैं, ठीक है. बिकॉज हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है तो मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूं. क्या होगी, सनलाइट आएगी बेटा, सनलाइट क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करेगा ऑफ 680 नैनोमीटर की, और एक्सेसरी पिगमेंट भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करके किसको दे देंगे, क्लोरोफिल ए को. इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट से निकल के कहां चले जाएंगे बेटा, एक्साइटेड स्टेट में. तो इलेक्ट्रॉन निकले यहां से, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, और जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो इनको कौन एक्सेप्ट कर लेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. अब यहां से मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू होता है, तो उसके अंदर देखिए क्या होता है. अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो इसने कैरी किए थे, इन दो इलेक्ट्रॉन को ये किस किसको दे देगा, प्लास्टो क्विनोन को, प्लास्टो क्विनोन को दे देगा, प्लास्टो क्विनोन. मैं यहां लिख देती हूं इनकी फुल फॉर्म, प्लास्टो क्विनोन, करेक्ट. अब ये प्लास्टो क्विनोन जो है ये आगे दो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा बेटा, ये दे देगा बेटा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को. क्या दे, किसको दे देगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स मतलब कई मॉलिक्यूल है बेटा साइटोक्रोम के, ठीक है. और ये चीज आप रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीजें आती हैं. तो ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एक नहीं है, कई मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, ठीक है. अब साइटोक्रोम में जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो आगे की तरफ मूव करते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या बनती है बेटा, एटीपी मॉलिक्यूल बनता है. क्या बनता है, एटीपी मॉलिक्यूल. इस चीज से बनेगा एडीपी प्लस में फॉस्फेट रेडिकल, ठीक है. एडीपी में जब फॉस्फेट रेडिकल जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एटीपी. अभी तो डाइफॉस्फेट था, अब कितना बन गया, ट्राइफॉस्फेट बाय एडिंग दिस वन, क्लियर है. अब ये जो साइटोक्रोम से दो इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां जाएंगे, कौन इसको एक्सेप्ट करेगा, प्लास्टो साइनिन. कौन करेगा बेटा, प्लास्टो साइनिन. सो देखो, प्लास्टो साइनिन, प्लास्टो साइनिन क्या कर लेगा इसको बेटा, एक्सेप्ट कर लेगा. प्लास्टो साइनिन ने इसको एक्सेप्ट किया, फिर ये प्लास्टो साइनिन दोनों इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा बेटा, फोटोसिस्टम वन को, फोटोसिस्टम वन को. और ये कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, P700 की वेवलेंथ को क्या करता है बेटा, ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है. अब ये क्या है, खुद भी एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, और दो इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिले हैं, फोटोसिस्टम टू से मिले हैं. अब फिर से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, एक्साइट होंगे. यहां से दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और इसको किसने एक्सेप्ट कर लिया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने. अभी मैं ये चीज नीचे आपको समझाऊंगी कि P700 फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम कौन सा है, वन, फोटोसिस्टम वन, ठीक है. इसने दो इलेक्ट्रॉन जो है किसको दे दिए बेटा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे दिए, क्लियर है. अब ये दो इलेक्ट्रॉन फिर से किसमें जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे, और इसको कौन ले लेगा बेटा, फेरेडॉक्सिन. कौन ले लेगा, फेरेडॉक्सिन. Fb मीन्स फेरेडॉक्सिन, Fe फेरेडॉक्सिन, ठीक है, फेरेडॉक्सिन ने ले लिया. फिर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दिए जाते हैं बेटा, वो दो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं NADP+ को. अब प्लस का साइन क्या दिखा रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और इसको हमने क्या दे दी, इलेक्ट्रॉन दे दिए.
और ये क्या बन जाएगा बेटा, इसकी रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन इसके साथ मिलेंगे, तो क्या बन जाएगा, NADPH, ठीक है। और क्या बनेगा, NADPH लगा लो, या फिर NADPH प्लस में H पॉजिटिव, या NADPH2, ठीक है। यहाँ पे दो H पॉजिटिव लेगा, दो इलेक्ट्रॉन यहां से आए हैं, इसके साथ ऐड होके क्या बना देगा, NADPH2, या फिर एक हाइड्रोजन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, तो क्या बना देगा, NADPH। कुछ भी, कोई भी आप इसमें कंपाउंड क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। अब यहां पर रोल आता है बेटा वॉटर स्प्लीशन, वॉटर स्प्लिटिंग का। किसका आता है बेटा, वॉटर स्प्लिटिंग का। वॉटर स्प्लिटिंग कुछ नहीं होता बेटा, वॉटर स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मीन्स टूटना, कौन टूटेगा, वॉटर, ठीक है। अब ये वॉटर स्प्लिटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, वॉटर स्प्लिटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। अब यहां पे दो इलेक्ट्रॉन थे सॉरी, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन थे, इनको रिप्लेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो सिस्टम होना चाहिए, तो वो कहां से आता है, वाटर स्प्लिटिंग सिस्टम से आता है। इसके अंदर देखो क्या होगा, वाटर जो है वो टूट जाएगा 2H+ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन उन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और क्या निकलेगा हमारे पास, बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या होगा हमारा, बाय प्रोडक्ट। अब आप मुझे बताइए कि ऑक्सीजन कहां से रिलीज हो रही है, CO2 से हो रही है, वाटर से हो रही है, ठीक है, तो कहां से हो रही है बेटा, वाटर से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको रिप्लेस कर देंगे बेटा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब मैंने कुछ आपको समझा दिया है, इसको अब हम पढ़ते हैं बेटा यहां से, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर। यू वुड देन आस्क हाउ डज फोटो सिस्टम टू सप्लाई इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली, कि फोटो सिस्टम टू कैसे कॉन्टिन्यूसली 2 इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है, कैसे। द इलेक्ट्रॉन्स दैट वर मूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम टू मस्ट बी रिप्लेस, इनको रिप्लेस करता रहना पड़े, क्योंकि फोटो सिस्टम टू के पास दोबारा से इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, तो यहां तो कम हो गए, इनको कौन रिप्लेस करेगा। तो देखो, दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर। द स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर इज एसोसिएटेड विद द फोटो सिस्टम टू, फोटो सिस्टम टू से एसोसिएटेड है, यहीं से वॉटर स्प्लिट होकर क्या बनाएगा, 2 हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, ठीक है। बट इज स्प्लिट इंटू 2H+ नेसेंट ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स, दिस क्रिएट ऑक्सीजन, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो O2 बाई प्रोडक्ट निकलती है वो यहीं से निकलती है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फ्रॉम द फोटो सिस्टम वन आर प्रोवाइडेड बाय द फोटो सिस्टम टू। अब फोटो सिस्टम टू से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो यहां से यहां इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, फोटो सिस्टम वन को, फोटो सिस्टम टू देगा, और फोटो सिस्टम टू किस को कौन इलेक्ट्रॉन देगा, वो वॉटर स्प्लिटिंग से उसके पास जाएंगे, यानी फोटो सिस्टम टू को तो प्रोवाइड कर रहा है वॉटर 2 इलेक्ट्रॉन, और फोटो सिस्टम वन को कौन प्रोवाइड कर रहा है, फोटो सिस्टम टू, क्लियर है ना बेटा। तो अगर हम 2 वॉटर मॉलिक्यूल लेते हैं, तो 4H+, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और 4 इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, बाहर निकलते हैं। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। वी नीड टू एम्फसाइज हेयर दैट वॉटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद द फोटो सिस्टम टू। तो हम यहां से क्या हमें पता लगा कि वॉटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स किससे एसोसिएट करता है, फोटो सिस्टम टू। तो ये आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अगर आपके सामने ऑप्शन आ जाए तो आपका कंसेप्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि आप फट से बता दो कि फोटो सिस्टम टू से ये कनेक्टेड है। विच इट सेल्फ इज फिजिकली लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। कहाँ होता है फोटो सिस्टम टू, कहाँ होता है, मान लो ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये क्या होता है, मेम्ब्रेन की इनर साइड पे, इस साइड पे क्या होता है बेटा, ये फोटो सिस्टम होता है। देन वेयर आर द प्रोटॉन्स एंड ओ टू फॉर्म्ड लाइकली टू बी रिलीज्ड, इन द ल्यूमेन और ऑन आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन।
तो जो प्रोटॉन्स बनते हैं, वाटर स्प्लिटिंग से प्रोटॉन्स बने हैं, O2 बना है, ये कहाँ रिलीज होंगे? यहाँ पे ल्यूमेन के अंदर होंगे या इससे बाहर होंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा डिस्कस करेंगे। करेक्ट। तो ये था बेटा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो मैंने यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक यही है कि व्हाट इज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हम लाइट रिएक्शन पढ़ रहे। देखो फोटोसिंथेसिस बेटा दो फेजेस में होती है, एक लाइट फेज होता है, एक डार्क फेज होता है। लाइट फेज में आपके क्या बनते हैं? एटीपी एंड एनएडीपीएच बनते हैं, ठीक है। और डार्क फेज में क्या होता है, उस एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हमारे कार्बोहाइड्रेट में हो जाती है। और लाइट रिएक्शंस के अंदर दो फेज होते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। वैसे तो इससे लास्ट वीडियो में मैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है बेटा एक्सप्लेन कर चुकी हूं, ठीक है। देखो मैं ये आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है, P700। P700 क्या है बेटा, कौन सा फोटो सिस्टम है ये? P700 फोटो सिस्टम वन है, फोटो सिस्टम वन। तो लाइट आएगी, एब्जॉर्ब करेगी, दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, एक्साइटेड स्टेट में भेजकर को कौन ले लेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ले लेगा। फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जाएगी, तो जब वो जाएगी तो वहां से क्या बनेगी, एटीपी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मैं अभी आपको समझा देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है। मान लो मेरे पास ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और इसको दो इलेक्ट्रॉन मिले हैं बेटा, कहाँ से मिले हैं, P700 से, यानी कि फोटो सिस्टम वन, फोटो सिस्टम P700, फोटो सिस्टम वन। क्लियर है, फोटो सिस्टम वन। अब क्या है, ये किसको देगी बेटा, ये इलेक्ट्रॉन देगा फेरेडॉक्सिन को। फेरेडॉक्सिन से कहाँ जाएगा ये बेटा, प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। फिर ये कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। फिर ये जाएगा बेटा प्लास्टोसाइनिन को। और फिर प्लास्टोसाइनिन से ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, दोबारा से फोटो सिस्टम वन के अंदर आ जाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस। देखो साइकिल बन रही है ना, जहां से शुरू हुई थी वहीं पे क्या हो गई, खत्म हो गई, इसी को साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। तो जब फेरेडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनोन में जाएंगे तब यहाँ पे एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो फिर एक एटीपी बनता है। यहाँ पे क्या है, दो एटीपी बन रहे हैं इन दो साइट पे, यानी कि साइक्लिक में एटीपी बन रहे हैं, ठीक है। और नॉन साइक्लिक में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि लास्ट या नॉन साइक्लिक में भी एक यहाँ एटीपी बन रहा है और लास्ट में क्या बन रहा है बेटा, NADPH2 बन रहा है। और ये दोनों ही क्या है, हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं। कौन कौन से, एटीपी और NADPH या H2, ठीक है। ये हाई एनर्जी कंपाउंड है बेटा, और यही हमें चाहिए जो लाइट रिएक्शन से मिलते हैं, ठीक है। अब इनको डार्क फेज में क्या कर लिया जाएगा, यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी ध्यान से दोनों में डिफरेंस समझना बेटा, क्या डिफरेंस है। साइक्लिक के अंदर हमें सिर्फ क्या मिल रहा है, एटीपी मिल रहे हैं, एनएडीपी हमें नहीं मिल रहा है, एनएडीपीएच हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। एनएडीपीएच हमें कहाँ मिल रहा है बेटा, वो हमें मिल रहा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। देखो और क्या डिफरेंस यहाँ पे समझ आ रहा है आपको, कि साइक्लिक में जो प्रोसेस शुरू होती है फोटो सिस्टम वन से शुरू होती है, लेकिन नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम टू से शुरू होती है। अब साइक्लिक में फोटो सिस्टम वन ओनली इज प्रेजेंट, लेकिन जो नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम वन एज वेल एज फोटो सिस्टम टू बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है। जो वाटर स्प्लिटिंग सिस्टम है वो किसके अंदर होता है बेटा, वो नॉन साइक्लिक के अंदर होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या है डिफरेंस को समझ सकते हैं। बाकी इस कंसेप्ट की क्लियरिटी होगी बेटा जब मैं आपको इस टॉपिक को पढ़ाऊंगी, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।